हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ दीपिका मिश्रा। तो आज मैं आप लोगों को बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का सिलेबस बताऊंगी। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि बीएससी फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री में तीन पेपर होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और सेकंड पेपर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड थर्ड एंड लास्ट पेपर है हमारा फिजिकल केमिस्ट्री। ओके, तो चलिए अब हम एक एक करके एक एक वीडियो में एक एक पेपर का सिलेबस स्टडी करेंगे। तो हम लोग पहले जानेंगे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो क्या है। ओके, तो इससे पहले आप लोग जान लीजिए कि केमिस्ट्री का मीन्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एग्ज़ाम में हमारा 50 नंबर का क्वेश्चन आता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सिलेबस में है क्या। तो सबसे पहले हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये जान लें कि कितनी यूनिट हैं। ठीक है, हमारे पेपर में बीएससी फर्स्ट ईयर के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 यूनिट हम लोगों को पढ़नी है। ओके, तो फर्स्ट में हम लोग को एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, सेकंड में पेरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है और थर्ड है केमिकल बॉन्डिंग। अब हम लोग इसको जाने कि इसके अंदर हम लोग को पढ़ना क्या है। तो ठीक है, फर्स्ट यूनिट एटॉमिक स्ट्रक्चर में एंड पेरियोडिक प्रॉपर्टी, ये है दो चैप्टर हमारा यूनिट फर्स्ट में, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पेरियोडिक प्रॉपर्टीज़। ओके, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो आइडिया ऑफ डी ब्रॉग्ली मैटर वेव। ओके, और नेक्स्ट है हाइंसबर्ग एंड डेंसिटी प्रिंसिपल, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, सिग्निफिकेंस एंड सिग्मा स्क्वायर। ओके, क्वांटम नंबर्स, रेडियल एंड एरेगुलर वेव फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी। और पढ़ना है हम लोग को डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स, शेप ऑफ एस पी डी ऑर्बिटल्स। ओके, अनफ्रोबल्स एंड पावली स्क्यूशिव प्रिंसिपल, हंस प्रिंसिपल रूल, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट, एक्सक्लूसिव न्यूक्लियर चेंजर। ओके, तो ये हुआ, हमको इतना पढ़ना है एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो हम लोग को इसमें डी ब्रॉग्ली इक्वेशन पढ़ना है, हंसवीन इक्वेशन पढ़ना है, ऑर्बिटल्स पढ़ना है, एस पी डी ऑर्बिटल्स पढ़ना है, पावली इक्वेशन पढ़ना है। तो ये सब चीज़ें हम लोग को पढ़ना है एटॉमिक स्ट्रक्चर में। अब हम लोग जानते हैं, जान लें कि जो सेकेंड है फर्स्ट यूनिट में, जो सेकेंड चैप्टर है हमारा पेरियोडिक प्रॉपर्टीज़। तो पेरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में हमको पढ़ना क्या है, तो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, आयोनाइजेशन ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रो कन्फ्यूगेटी डिफिनेशन, मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इवेल्यूएशन, ट्रेंड्स ऑफ पेरियोडिक टेबल एंड अप्लीकेशन ऑफ प्रेडिक्टिंग एंड एक्सप्लेनिंग द केमिकल बिहेवियर। तो ये हुआ यूनिट फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट में हम लोग को ये पढ़ना है। अब हम आते हैं यूनिट सेकंड की ओर। ओके, तो यूनिट सेकंड जो है इसमें पढ़ना है केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग पढ़ेंगे कोवेलेंट बॉन्ड, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड लिमिटेशन, डिट्रेशन करेक्टरिस्टिक ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, वेरियस टाइप ऑफ हाइड्रोलाइजेशन एंड शेप ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एंड आयन, वैलेंस सेल, इलेक्ट्रॉन पेयर डिस्पेक्शन जिसको बोलते हैं VSEPR थ्योरी ऑफ NH3, H2, H3O, SF4, CIF3, ICL2 एंड H2O, MO थ्योरी, होमोमॉलिकुलर एंड हेट्रोमॉलिकुलर जिसे बोलते हैं CO एंड NO, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, मल्टी सेंटर बॉन्डिंग,
इन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी मॉलिक्यूल बॉन्ड स्ट्रेथिंग एंड बॉन्ड एनर्जी परसेंटेज आयनिक करेक्टर फ्रॉम डिप्लॉयड मूवमेंट एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ओके, तो ये हुआ केमिकल बॉन्ड। अब हम लोग अपना फोर्थ इसमें देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है हम लोग को आयनिक आइसोलाइट्स। ओके, तो इसमें पढ़ना है आयनिक स्ट्रक्चर, रेडियस, रेडियो इफेक्टिव एंड कोऑर्डिनेशन नंबर, लिमिटेशन ऑफ रेडियस, रेडियो रूल, लैटिक डिफरेंस, सेमी कॉन्ड्रल्स एंड लेटरल एनर्जी एंड बॉर्न हेंस साइकिल, सॉल्वेशन एनर्जी एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक सॉल्वल्स एंड पैरालाइजेशन पावर एंड पोरेबिलिटी ऑफ आयंस, फ्रेंस रूल, मेटेलिक बॉन्ड, फ्री इलेक्ट्रॉन, वैलेंस बॉन्ड एंड बॉन्ड थ्योरीज। और नेक्स्ट है वीक इंट्रैक्शन। तो इसमें पढ़ना है हम लोग को हाइड्रोजन बॉन्ड एंड वेंडर वॉन फोर्स। ओके, अब हम लोग आते हैं यूनिट थर्ड की, और यूनिट थर्ड में जो हम लोग का चैप्टर है यहाँ फोर्थ चैप्टर में पढ़ना है हम लोग को एस ब्लॉक एलिमेंट। तो देखिए एस ब्लॉक एलिमेंट में हम लोग को पढ़ना क्या है, तो कंपेटिटिव स्टडी, डायगोनल रिलेशनशिप, साइलेंट फीचर ऑफ हाइड्रोइल, सॉल्यूशन एंड कॉम्प्लिकेशन टेंडेंसी इंक्लूडिंग देयर फंक्शन इन बायो सिस्टम, इन इंट्रोडक्शन टू एल्कलाई एंड एल्कलाइंस। और है केमिस्ट्री ऑफ चैप्टर 5 नोबल गैसेस की, नोबल गैसेस की जो केमिस्ट्री है वो क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नोबल गैसेस, केमिस्ट्री ऑफ जीनोजाइगोन, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ जेनोन कंपाउंड्स। ओके, तो अब हम लोग लास्ट यूनिट की ओर आते हैं, इसमें हम लोग को पढ़ना है पी ब्लॉक एलिमेंट। ओके, तो ये हमारा चैप्टर 6 है, तो बीएससी फर्स्ट ईयर में होते हैं टोटल चैप्टर 6। ओके, तो पी ब्लॉक एलिमेंट है कॉम्प्लिकेटिव स्टडी ऑफ ग्रुप 13 एंड 70 एलिमेंट्स, कंपाउंड लाइक हाइड्राइड्स, ऑक्साइड, ऑक्सीडाइड्स एंड हाइलाइड ऑफ ग्रुप 13 एंड 16 हाइड्राइड्स एंड बॉर्न डाइबॉर्न एंड हायर ब्रॉन ब्रोजीन बोरोहाइड्राइड्स, फेसेंसी कार्बोडाइज एंड फ्लोरोकार्बन्स, सिलिकेट्स, ट्रांसपुलर टेट्रा नाइट्राइड, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ हैलोजन्स, इंटर हैलोजन्स एंड पॉलीहाइड्राइड्स। ओके, तो ये हुआ हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट का। तो हम लोगों ने टोटल पढ़े कि चैप्टर हमारे जो इसमें हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसकी संख्या है 6 चैप्टर हैं और 4 यूनिट हैं। ओके, तो ये है हमारा सिलेबस बीएससी फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो बताया जाएगा। थैंक यू।